तो पाकिस्तानी जो है ना 2 लाख रुपए बच जाता है। मतलब बंदा पूरा महीना ओटी वगैरह करे तो कंस्ट्रक्शन के काम में 2 लाख पाकिस्तानी बेच सकता है वापस। जी जी 2 लाख बच जाते हैं। भाई आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, मलेशिया में आप शादी करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी हमारे जो पठान भाई हैं उन्होंने मलेशिया में शादी की हुई है। जी भाई नहीं, शादी तो नहीं करेगा क्योंकि शादी तो एक के अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सब लोग बाहर जाना चाहते हैं और आजकल ट्रेंडिंग में जो मुल्क जा रहा है पाकिस्तान में वो मलेशिया जा रहा है क्योंकि सब लोग मलेशिया आना चाहते हैं। मलेशिया वैसे भी मुल्क अच्छा है, दुबई और सऊदीया के बजाय आजकल लोग जो है मलेशिया को प्रेफर कर रहे हैं। इसलिए मैं आज एक दोस्त को लेके आऊँ आपके साथ, उसके साथ गपशप करेंगे, उससे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान से मलेशिया में कैसे आए, क्या हिसाब किताब है, अभी मलेशिया में आगे उनको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जी तो मेरे साथ जो दोस्त हैं मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका क्या नाम है भाई? बुरहान नाम है भाई। पाकिस्तान किस जिला से हैं? बाजोड़ी जैन से, पिशावर से। आगे पिशावर से तो आप बेसिकली खान हैं? जी खान पठान। अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तान में आप क्या काम करते थे? पाकिस्तान में ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइवर था। पाकिस्तान में आप ड्राइविंग करते थे तो एक महीने का कितना आप कमा लेते थे? यार उधर जो है ना वो सिस्टम अभी पहले तो ठीक था लेकिन अभी जो है पेट्रोल वगैरह महंगा हो गई, इसके वजह से जो है ना हालात ख़राब हो गए। पहले तो 1500-2000 बच जाता, अभी जो पेट्रोल महंगा हो गया तो 1800 भी नहीं बचता, तो सिस्टम ख़राब। तो मैंने कहा कि यार अभी जो है ना निकलना पड़ेगा, जिधर भी है भागो। आपको मलेशिया किसने बुलाया और आप किसके थ्रू मलेशिया में आए? भजन मलेशिया तो हमारा जो है ना वो गांव का आदमी इधर था, दोस्त वगैरह था, उसके साथ रब्ता करता था, कहता था कि यार बस इधर ही काम शाम करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार अभी इधर तो हालत ख़राब है तो अभी जो है ना इधर ही मलेशिया जाऊँ। मलेशिया आने में आपका कितना खर्चा आ गया टोटल? मलेशिया आने में भाई 6.5 लाख रुपये खर्चा हुआ। आपका परमिट कौन सा है? परमिट प्लांटेशन का है, प्लांटेशन का परमिट लगा। तो जब आप पाकिस्तान से मलेशिया में आए तो आपने पहला काम यहाँ पे आके कौन सा किया? आपको जो काम करने को मिला वो कंस्ट्रक्शन का था? नहीं, पहला काम जो है ना होटल का किया, एक महीना होटल में काम किया, फिर जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम किया। माशाल्लाह अभी कंस्ट्रक्शन का काम ठीक है, ज़बरदस्त है, अभी इसमें खुश हूँ। जो आप काम कर रहे थे होटल का उसमें आपको एक दिन का कितना मिलता था? उधर होटल का जो था वो मैं तो नौ भी था, काम भी सीखा नहीं था तो इसलिए 50 रिंगट मिल रहा था, 1500 सैलरी था महीने का, खाना पीना उसका। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन का आप काम कर रहे हैं इसमें आपको एक दिन का कितना मिलता है? एक कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं ना 100 रुपये दिन का मिलता है एक दिन का। तो कितने घंटे आप काम करते हैं? हम 10 घंटे काम करते हैं, 100 रुपये देते हैं। 100 रुपये देते हैं जी, 10 घंटे काम करते हैं। और जब आप होटल में थे तो वहाँ आप कितना घंटा काम करते थे? होटल में जो था 12 घंटे काम करना पड़ता था लेकिन उस दर का जो है ना सैलरी बहुत कम था, 1500 रुपये महीने का दे देता। तो भाई आपको कितना महीना हो गया मलेशिया में? इधर मैं 5 महीने हो गया मेरा। 5 महीने में आपको पाकिस्तान और मलेशिया में क्या फ़र्क नज़र आया? यार बस फर्क क्या है कि इधर यार वैसा तो जो है ना मुल्क तो अपना मुल्क ही होता है लेकिन फिर भी जो है ना इधर का जो इलाका है ना पारमन सुकून का इलाका है, कोई ऐसा नहीं है कि यार बंदा तंग वगैरह नहीं करता, अपने काम से काम बंदा रखते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। अच्छा भाई मुझे आप ये बताएं कि मलेशिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करें एक महीना तो आपका कितना सैलरी निकलेगा पाकिस्तानी पैसों में? जी भाई अगर काम ज़्यादा हुआ और टी वगैरह मिले तो फिर जो है ना 3600-4000 महीना बनते हैं, इसे बंदा 400-500 रुपये खर्चा भी करे तो पाकिस्तानी जो है ना 2 लाख रुपये बच जाता है। मतलब बंदा पूरा महीना ओटी वगैरह करे तो कंस्ट्रक्शन के काम में 2 लाख पाकिस्तानी बेच सकता है वापस? जी जी 2 लाख बच जाते हैं। और जो आप होटल का काम करते थे उसमें आपका टोटल खर्चा निकाल के कितना बचता था? टोटल खर्चा निकाल के उधर जो है ना बस यही 1 लाख बन जाता, वो 1,95,000 इस तरह बन जाता क्योंकि उसमें तो खर्चा नहीं था ना, वो खाना पीना रिहाइश सब कुछ होटल वाले के था, 1500 जो है ना से फिर यही था। सही है सही है। होटल में ये था कि आपका खाना पीना रहाइश सब कुछ वो कंपनी के जिम्मे था, सिर्फ आपने उधर काम करना था और जो सैलरी मिली थी वो आपकी सेव थी। शाह खान भाई आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, मलेशिया में आप शादी करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी हमारे जो पठान भाई हैं उन्होंने मलेशिया में शादी की हुई है। जी भाई नहीं, शादी तो नहीं करेगा क्योंकि शादी तो एक के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शादी की है इनशाला, बस इधर कोई इरादा नहीं है, इधर नहीं करेगा शादी। अच्छा बीवी एक ही अच्छी है? जी बिल्कुल एक ही चाहिए, एक ही से प्यार करना है बस, जिधर जो भी है एक ही से प्यार करो बस, जियो अपने मजे करो। बहुत अच्छी बात है जी, अपनी बीवी के साथ आप भी सिंसियर रहेंगे अगर वो भी आपके साथ सिंसियर रहेगी, अगर आप उसको धोखा देंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ धोखा करेगी। हाँ भाई आपको मलेशिया का खाना पसंद आया कि नहीं?
जी भाई खाना तो पसंद आ गया, क्योंकि आपको तो पता है कि पठान लोग जो है ना वो खाना ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और आपको पता भी है कि इधर जो है ना सिर्फ वो नसी चावल इधर इस्तेमाल होता है, इधर रोटी वगैरह इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। पहले जब इधर आ गया तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि इधर हम लोग जो है ना वो उधर रोटी वगैरह सही कर रहा था, इधर चावल का इतना नहीं था, ठीक है। अभी इधर सिर्फ चावल था तो पहले दिनों में थोड़ा सा वो जो है ना प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जो है ना अपने दोस्तों के साथ अपना जो है ना सिस्टम करते रोटी वगैरह तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना ठीक के मजे के होते हैं। तो बुरहान भाई अभी तक आप मलेशिया में कहीं आप बाहर भी निकले हैं कि नहीं, घूमे फिरे हैं या नहीं? मलेशिया के जो KLCC टावर हैं वो बहुत मशहूर हैं, लोग देखने आते हैं दूर दूर से, तो आपने भी ये देखे हैं या नहीं वो टावर? भैया नहीं, ये इस तरह जो है ना जब से आया तो काम पे मसरूफ़ है, तो इसलिए जो है ना आगे पीछे घुमा फिरा नहीं है, तो इंशाल्लाह जब जो है ना छुट्टी वगैरह मिलेगा काम तो होगा तो फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे घूमेंगे। तो मलेशिया में जो लोग विजिट पे आना चाहते हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? यार उन लोगों के तो मैं यही पैगाम देता हूँ कि यार जो इधर लोग विजिट पे आते हैं तो मेहरबानी करें विजिट पे ना आए, वो जो है ना प्लांटेशन का परमिट हो जाए, वो दूसरा परमिट हो जाए, कंस्ट्रक्शन का जो परमिट भी हो जाए, लेकिन परमिट पे आ जाए करे। बगैर परमिट का जो है ना बहुत मसले होते हैं, एक तो काम ही नहीं मिलता है, दूसरा जो है ना सिस्टम बहुत ख़राब होते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि इलीगल बंदा ना आए, लीगल बंदा आना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई काम ख़राब हो जाए तो कम से कम आपके पास परमिट तो होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद थे बुरहान भाई जो कि पेशावर से हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।